इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। जी हाँ, अंतरिक्ष से इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है कि इसरो के वैज्ञानिकों को पता चल गया है कि अपना विक्रम लैंडर कहाँ है। जी हाँ, विक्रम लैंडर कहाँ है ये पता चल चुका है। 6 सितंबर की रात चांद पर लैंड होते वक्त लैंडर विक्रम का इसरो से संपर्क टूट गया था। इसकी वजह से वैज्ञानिक हताश हो गए थे, निराश थे, और उनके जो चीफ थे वो रोने को मजबूर हो गए थे। इसरो के मुखिया के सिवन तो ऐसे निराश हुए इतने ज़्यादा कि फूट फूट कर रो पड़े प्रधानमंत्री से गले मिलकर। 7 सितंबर की शाम उन्होंने उम्मीद जताई थी कि ऑर्बिट लैंडर का पता लगा लेगा, और ठीक ऐसा ही हुआ। 8 सितंबर की दोपहर तक चंद्रयान 2 के ऑर्बिट ने लैंडर विक्रम का पता लगा लिया है। इसरो के मुखिया के सिवन ने बताया कि ऑर्बिट में लगे ऑप्टिकल हाई रेजोल्यूशन कैमरा ने विक्रम लैंडर की तस्वीर खींचकर भेजी है। इसमें लैंडर सुरक्षित दिख रहा है, लेकिन वो लैंडिंग वाली तय जगह से 500 मीटर उल्टा गिरा पड़ा है। अभी तक तो यही पता नहीं चल पा रहा था कि विक्रम लैंडर का हुआ क्या, लेकिन अब ये साफ है कि विक्रम चांद की सतह पर उतर चुका है, भले ही उस जगह से 500 मीटर दूर जहां इसे उतरना था। अब इसरो के वैज्ञानिक लैंडर विक्रम से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। इसरो हेडक्वार्टर से लैंडर को मैसेज भेजे जा रहे हैं। संपर्क होने के बाद पता चल पाएगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ। चांद की सतह से 2.1 मीटर की ऊंचाई तक आने के बाद विक्रम भटक गया। अनुमान लगाया जा रहा है कि विक्रम लैंडर के साइड में लगे छोटे छोटे 4 स्टीयरिंग इंजनों में से किसी एक ने काम करना बंद कर दिया होगा और विक्रम लैंडर अपने तय मार्ग से भटक गया हो। इसलिए अब इसरो के वैज्ञानिक ऑर्बिट में लगे कैमरे से और भी तस्वीरें खींचने की कोशिश करेंगे ताकि सही सही स्थिति का पता लग सके। वैज्ञानिक इसमें कामयाब भी होंगे क्योंकि ऑर्बिटर में जो कैमरा लगा है वो चांद की सतह से 1.08 फीट की ऊंचाई तक की कोई भी तस्वीर खींच सकता है। इसरो चीफ के सिवन ने बताया कि वैज्ञानिकों को इस बात की उम्मीद है कि जल्दी ही लैंडर से संपर्क हो सकेगा। तो ये बड़ी खुशखबरी देशवासियों के लिए, चंद्रमा पर लापता लैंडर विक्रम का लोकेशन मिल चुका है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख के सिवन ने कहा कि हमें चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंड करने का लोकेशन मिला है और ऑर्बिट से लैंडर की एक थर्मल इमेज क्लिक किया है, लेकिन अभी तक कम्युनिकेशन नहीं है। संपर्क करने की कोशिश की जा रही है और जल्द संपर्क स्थापित हो जाएगा। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया के लिए शशिप्रिया सिंह की रिपोर्ट।